रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूवर्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी। तो केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 7। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो आर्म्ड फोर्सेस, नर्सिंग स्टाफ, पीएफ, एयर वुमेन, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, पाकिस्तान नेवी, कमीशनड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल कॉलेज टेस्ट और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन के टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो चलते हैं व्यूवर्स अपने। एटॉमिक नंबर ऑफ ए आर्गन इज, तो आर्गन जो है हमारे पास ये असल में एक नॉबल गैस है। आर्गन नॉबल गैसेस वो होती हैं जिनके जो लास्ट ऑक्टेट होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, और ये जो है नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास वो होता है 18। नेक्स्ट, टू पुट फॉरवर्ड द प्लम पुडिंग थ्योरी इज, तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने प्लम पुडिंग थ्योरी दी थी उनका नाम था जे जे थॉम्सन। अब प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है? प्लम पुडिंग थ्योरी ये है कि इन्होंने ये बताया था कि जो एक एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट स्पेसेस पर पड़े होते हैं। तो इट्स लाइक द ड्राई फ्रूट्स इन द पुडिंग क्रिसमस। सो डैट्स वाई इसका नाम जो है वो प्लम पुडिंग थ्योरी है, जिसमें प्लम्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज यानी कि एटम के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, इस वजह से इसको प्लम पुडिंग थ्योरी कहते हैं। यूज़ फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, तो कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो हमारे पास आइसोटॉप यूज़ होता है वो होता है कोबाल्ट 60, जिसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ कैल्शियम इज, तो हमसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पूछा गया है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 20। टॉप इन हाइड्रोजन आर, तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटॉप बताने हैं। हाइड्रोजन के जो हैं वो मेनली तीन आइसोटॉप्स होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? उनमें है प्रोटियम। आपको पता है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर जो है उनका वो डिफरेंट होता है। अब ये इसके ऊपर इसका मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है और ये नीचे जो है मैंने इसका मास नंबर लिखा है, ये है प्रोटियम। फिर आपके पास दूसरा आ जाता है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है लेकिन जो उसका मास नंबर होता है वो 2 होता है। इस तरह जो ट्रिटियम है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 ही रहेगा लेकिन जो इसका मास नंबर है वो 3 है। अब इसमें क्या होता है कि वैसे हाइड्रोजन जो नॉर्मल होता है उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो अब हमारे पास प्रोटियम है इसके अंदर भी एक प्रोटॉन ही होता है, लेकिन जो हमारे पास ड्यूट्रियम है ना इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि ट्रिटियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हमसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s1। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, इसमें हमसे ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक नंबर पूछा गया है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर व्यूवर्स जो होता है वो होता है 8, जबकि इसका जो मास नंबर होता है वो होता है 16। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोस्टली जो हमारे पास मास नंबर हैं वो हमारे एटॉमिक नंबर के डबल होते हैं। सो आंसर इज 8। न्यूक्लियर अमंग दीज इज, इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा हीलियम न्यूक्लियर है। तो मैं बता दूं कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो हीलियम न्यूक्लियर होते हैं। इसमें जो एटॉमिक मास जो है ये भी हीलियम न्यूक्लियर नहीं है, एटॉमिक नंबर भी, एवोगैड्रोस नंबर भी, ये तीनों हमारे पास हीलियम न्यूक्लियर नहीं है, जबकि अल्फा पार्टिकल जो है ये हमारे पास हीलियम न्यूक्लियर है। आइसोटॉप्स यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर जनरेटर इज, तो वो आइसोटॉप जिसको न्यूक्लियर जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है U-235। अब U-235 को क्यों यूज़ किया जाता है? इस वजह से क्योंकि ये U-235 जो है ये बहुत इजीली जो है टूट जाता है यानी कि स्प्लिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी क्योंकि हमें न्यूक्लियर जनरेटर में चाहिए होती है, इस वजह से जो है हम U-235 यूज़ करते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज, इसमें हमसे पूछा गया है एटॉमिक रेडियस के बारे में, यानी कि एटॉमिक रेडिएशन में एटम का जो है वो साइज़ है। तो इससे पूछा गया इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, डू नॉट चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो इसका आंसर है इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। जो जितने भी हमारे एटॉमिक रेडियस होता है वो ऊपर से यानी कि ग्रुप से ऊपर से स्टार्ट होता है इंक्रीज होना, यानी कि जो लास्ट एटम आएगा ग्रुप के एंड पे उसका जो एटॉमिक साइज़ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अब इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो एटॉमिक साइज़ होता है ना वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पे जो है वो
डिपेंड करता है, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज़्यादा होंगे उतना ही जो है आपका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। तो जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं, तो साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडी जो है वो हमारे पास बढ़ जाता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, इसमें हमसे पूछा गया है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर इंटर होता है या ऐड होता है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो प्रोसेस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर ऐड होता है तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब एनर्जी रिलीज़ क्यों होती है? उस समय वो एनर्जी जो है वो हमारे पास एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो एनर्जी इस वजह से होती है क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो ऐड हो रहा है और जो एटम का न्यूक्लियस है उनके दरमियान जो है वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है हमारे पास जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो होती है नेगेटिव, यानी कि इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो होती है पॉजिटिव, क्योंकि इसमें जो है एनर्जी देनी पड़ती है। अब देनी क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड करने की कोशिश करते हैं तो जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नए आने वाले एटम को जो है वो रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से उस फोर्सेज ऑफ रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए जो है हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इस वजह से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है और एंडोथर्मिक होती है। पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन, हमसे पूछा गया है कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पर बेस्ड करता था, तो वो करता था एटॉमिक मास पर। हमारे पास जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड करता है, लेकिन मेंडेलीव ने सबसे पहले जो एक प्रिसाइज पीरियोडिक टेबल दिया था उसने एटॉमिक मैसेस पे दिया था, जो कि एक बहुत पॉपुलर चीज़ उस वक्त सामने आई थी। लेकिन फिलहाल जो है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है और जो करेक्ट पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस करता है, जो कि एच मोज़ले ने दिया था। पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब है कि मौजूदा जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस करता है, तो मौजूदा पीरियोडिक टेबल हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस करता है। पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज, हमसे पूछा गया है कि फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो है हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब कि जो हमारे पास मौजूदा जो है पीरियोडिक टेबल उसमें जो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है उनको क्या कहते हैं? तो जो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है हमारे पास उनको हम लोग कहते हैं लॉन्ग पीरियड। अब याद रखेंगे फर्स्ट पीरियड में कौन से दो ही एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए उनको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, जबकि सेकेंड और थर्ड को नॉर्मल पीरियड कहते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड कहते हैं, जबकि सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हमसे पूछा गया है, तो फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो होती है 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद रखें कि ग्रुप में जो है वो डिक्रीज होती है, यानी कि ग्रुप के फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, और जिस तरह हम लोग नीचे आते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो फ्लोरीन सबसे पहले आता है, इसकी सबसे ज़्यादा है, देन क्लोरीन की आएगी, देन ब्रोमीन की और देन आयोडीन की। तो इसी क्वेश्चन के साथ व्यूअर हम अपनी वीडियो के अख्ताम, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप शाहीन लीडर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, नीचे बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा शाहीन लीडर्स अकेडमी की वेबसाइट www.shaheenleadersacademy.com को विज़िट करें, जिससे आप बहुत सा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह।